So in this video, we'll be talking about the importance of taking your children along with you when you're going out anywhere in public, even to the departmental stores, grocery shopping. How important is this to take your kids along with you? What do they learn over there, and what qualities do they get inside their personality? What grooming they get? What kind of confidence they have when they interact with people, when they socialize with people, and when they go out with you at every place? So what are the benefits? So we'll be talking about that in this video. Hi everyone, assalamu alaikum and welcome back to my channel. All those who already have subscribed, thank you very much, and those who have not yet subscribed to my channel, please do it now. And the purpose of making this video right at the moment is to highlight the importance of giving respect to your children. So hota kya hai usually ke kuch maaye, I'm not criticizing every mother out there, I'm just talking to some specific few mothers जिनको मैं पर्सनली भी जानती हूँ, जो इतना ज़्यादा यानी कि बच्चों को अपने साथ ले लेके फिरना पसंद नहीं करते, ठीक है ना। मतलब उनको होता है थोड़ी स्पेस होनी चाहिए, मतलब कि शॉपिंग पे जा रहे हैं तो बच्चों को घर पे रहने की आदत होनी चाहिए, क्या हर वक्त साथ साथ लेके फिरना, और मतलब थोड़ा माँ से जो है इंडिपेंडेंट रहना चाहिए उनको, इतना माँ पे डिपेंड नहीं करना चाहिए कि माँ कहीं जा ही ना सके। तो व्हाट आई बिलीव इज़ के अगर हम बच्चों को हर जगह अपने साथ लेके जाते हैं ना, तो वो बहुत ज़्यादा इंटरेक्टिव होते हैं, उनमें कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू दोस्त जो ज़्यादातर घर पे रहते हैं, ठीक है। अब मैंने बहुत सी माओं को देखा है कि डिपार्टमेंटल स्टोर तक जाती हैं। चलो भाई, जहाँ आपने कपड़े ख़रीदने जाना है तो इट्स फाइन, आप ना लेके जाएं, ठीक है। उसमें आपको सही तरह से देखना पड़ता है कपड़ों को, टाइम लग जाता है बिलिंग कराने में, ठीक है जी, लंबे लंबे लाइनों के चक्करों में, और जब सेलें लगी होती हैं, ठीक है ना लेके जाएं तब। लेकिन एटलीस्ट जब आप ग्रोसरी शॉपिंग करने जाते हैं तो तब अपने बच्चों को साथ ज़रूर लेके जाएं। मैं आपको उसके कुछ बेनिफिट्स बताती हूँ, ठीक है, और कुछ नुकसान भी बताती हूँ ताकि क्लियर हो जाए कि लेके जाने से उनमें क्या चीज़ें डेवलप होती हैं और ना लेके जाने से उनमें क्या मसले पैदा होते हैं। चलें जी, अब बात कर लेते हैं कि क्या फ़ायदे होते हैं बच्चों को अपने साथ लेके जाने के लिए, ठीक है। अगर हम जा रहे हैं ना ग्रोसरी शॉपिंग के लिए, उसमें ये होता है कि बच्चा जो है ना वो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल निकलता है, क्योंकि उसको पता है कि ये चीज़ ख़त्म होने वाली है घर पे और उसने परचेज लिस्ट बनानी है। अब मैं अपने बच्चे को हर जगह, जब एक था मेरा तब भी वो मेरे साथ हर जगह जाता था, अब दो हैं तो अब दोनों ही मेरे साथ जाते हैं, जैसे मैग्नेट अटैच होता है ना, वो वाला हाल है मेरा। तो कहीं भी वो मेरे बगैर, मैं इनके बगैर नहीं जा सकती, और मुझे आई फील रियली गुड इन अ वे। कभी कभी हो जाता है फ्रस्ट्रेशन, लेकिन इन द एंड इवेंचुअली इट्स अ गुड प्रैक्टिस, क्योंकि वैन यू गिव योर चिल्ड्रन सच गुड चाइल्डहुड मेमोरीज टू रेलिश, तो फिर जब वैन दे आर मच्योर ग्रोन अप्स, तो फिर वो आपको रिगार्ड करते हैं, एक्नॉलेज करते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं। तो कमिंग बैक के क्या फ़ायदे हैं, अब देखें, अब मेरे बच्चे को पता है कि ग्रोसरी करने जाना है, तो पहले से ना उसके दिमाग में ये चीज़ क्लिक करने लग जाती है कि जी कोको क्रंच ख़त्म हो गया है, छोटे भाई के पैम्पर्स आने वाले हैं, ठीक है जी, पेस्ट ख़त्म हो गई है, उसको यहाँ तक कि पेस्ट का नाम भी पता है कि हम कौन सी यूज़ करते हैं, ठीक है जी, मामा वो वाली पेस्ट हाई पैराडन ख़त्म हो गई है, ठीक है। अब हमें बेसिकली वही पसंद है, और मेरे बेटे को भी अब उसको पता है, वो स्पेल तक कर लेता है और वो लिखता है सीरियसली, कि वो ना ह साउंड्स निकाल के ना फोनिक्स के साथ वो लिखता है, लिस्ट में जोट डाउन करता है कि ये चीज़ें आने वाली हैं। तो मैं ये फील करती हूँ कि उसको अपने साथ एटलीस्ट यहाँ स्टोर्स वगैरह पे लेके जाने का ना ये फ़ायदा होता है कि उसको वो खुद फोनिक्स के थ्रू वर्ड्स को प्रोनाउंस करके ना लिस्ट बना रहा होता है कि ये चीज़ ख़त्म हो गई है, पैम्पर्स पर एम पैम्पर्स वो लिख रहा होता है कि ये चीज़ें आने वाली हैं, ठीक है ना। तो मुझे इस चीज़ का बहुत बेनिफिट लगता है कि ना वो रिस्पॉन्सिबल बच्चों की तरह मेरे साथ बैठ के लिस्ट बनाता है, जो स्पेलिंग नहीं समझ आते वो मुझसे पूछता है कि इसके क्या स्पेलिंग होंगे। तो ये मुझे एक बहुत अच्छा एक चीज़ लगती है कि
उसके अंदर की क्वालिटी डेवलप हो गई है, ठीक है। नंबर टू पॉइंट के जब साथ जाते हैं ना बच्चे, उनको एक्सपोजर मिलता है पब्लिकली, किस तरह उन्होंने लोगों से इंटरेक्ट करना है वो चीज़ उनके अंदर पैदा होती है, ठीक है। और कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी डेवलप होती है, ग्रूमिंग होती है बच्चे की पर्सनैलिटी की, ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स हैं मैंने देखे, जो बच्चे इतना ज़्यादा बाहर नहीं निकलते माओ के साथ, दे आर वेरी लेस इंटरेक्टिव एंड दे हैव अ फेयर टू सोशलाइज विद पीपल, तो ये फ़र्क होता है। अच्छा, अब मसला ये है कि बच्चा जो बड़ा है तो उसको लेके जाने में कम इतना मजायका नहीं है, लेकिन अगर बच्चा छोटा है, मेरा जब छोटा भी था ना तब भी साथ ही जाता था, और इतना क्रैंकी होता था ना, इतनी इतनी ज़्यादा फस क्रिएट करता था कि मुझे उसे पकड़ के ना एक साइड पर होना पड़ता था समझाने के लिए, कि ताकि वो अपना कंट्रोल जो है वो रीगेन कर ले। तो जब वो छोटा था तब भी जाता था, तो उसकी मैं कुछ टिप्स आपके साथ शेयर करूँगी कि अगर आपका छोटा बच्चा और आपने ग्रोसरी शॉपिंग के लिए जाना है तो कैसे इसको फन एक्टिविटी बनाया जाए। नंबर वन टिप जो मैं आपको दूंगी, ठीक है, वो ये है कि जब बच्चा बहुत ज़्यादा रो रहा हो ना, स्क्रीम कर रहा हो, और जी नहीं मूड, छोटा बच्चा है 2 साल का है, 2.5 साल का है, बहुत ज़्यादा तंग कर रहा है वहाँ पे, लोगों को डिस्टर्ब कर रहा है या चीज़ें पकड़ पकड़ के नीचे फेंक रहा है, उसको काम कैसे करना है। कभी कभी ये होता है कि साइलेंस जो है ना वो काम करती है। अगर आप हर वक्त जो है ना बोलते रहें बोलते रहें बोलते रहें, बच्चे को डांटते रहें, तो वो तो बहुत ही बदतमीज़ हो जाएगा ना। तो मैं यूजली ये करती थी, अगर मेरा बच्चा इस तरह कर रहा है ना, तो मैं उसको लेके ना कभी कभी डिपार्टमेंटल स्टोर से बाहर भी चली जाती थी साइड पे लेके, कि अगर तो आपने डिसेंटली बिहेव करना है, गुड बिहेवियर शो करना है, देन वी विल कंटिन्यू टू शॉप, अदरवाइज वी विल गो बैक होम। तो ये चीज़ बहुत वर्क करती थी, और मैं काफ़ी साइलेंस और जिसके ना गिव देम ब्रेक, तो वो चीज़ जो है ना बच्चे का मूड सेटअप कर देती है, एंड कंप्लीट चेंज ऑफ सिनेरियो, कि आप उसको थोड़ी देर के लिए स्टोर से बाहर ले आएँ और उसको समझाएं कि व्हाट यू वांट, उसको रिलैक्स करें, हग करें, और आस्क फॉर अ गुड बिहेवियर, कि अगर तो मुझे आपसे अच्छा बिहेवियर मिलेगा देन वी विल कंटिन्यू। तो बच्चा ना समझ जाता है, अगर आप तमीज़ से प्यार से खुद बोलेंगे ना, अगर आप खुद भी चीखना चखारा करने लग जाएंगे और बच्चे से बदतमीजी से बात करने लग जाएंगे, फिर बच्चा भी बताता है कि फिर मैं भी आप बच्चा हूँ, फिर आपको हार्ड टाइम दूंगा। तो एक्सप्लेन करें सिचुएशन, प्यार से समझाएं, काम करें, उसको ईजी करें, रिलैक्स करें, और फिर उसको वापस अंदर लेके आएँ कि चलें जी लेट्स कॉन्टिन्यू। नंबर टू पॉइंट, आप उसको उसकी अलहदा कार्ड्स दें, मतलब कि अभी बहुत बड़ा नहीं है बच्चा, लेकिन अमेजोन पे ना जगह जगह छोटे छोटे कार्ड्स भी पड़े हैं, वहाँ अब तो स्टोर्स में भी पड़े होते हैं बच्चों के लिए, छोटे छोटे उन्होंने लेके रखे होते हैं ना, कि बच्चा अभी खुद बॉस ही फील करे कि जी मैं यहाँ पे शॉपिंग करने आया हुआ हूँ। उसको उसका सेपरेट कार्ड दें, उसको जॉब दें कि जी ये वाला कलर, ये वाला फ्लेवर, ये वाली चीज़, ये वाला जो है आपने उठा के लेके आना है वहाँ से, और जी उसमें कुछ स्पेसिफिकेशंस दे देना, टास्क दें कि ये चीज़ पकड़ के लानी है और उसमें ये चीज़ होनी चाहिए। लेट सपोज आप उसको कहीं बनाना लेके आओ, ठीक है, वहाँ से उठा के। अगर आप कह रहे हैं कि जी कस्टर्ड, तो कौन सा फ्लेवर का कस्टर्ड हमने डालना है इसमें, उससे हर चीज़ पूछें। लेट हिम बिहेव लाइक अ बॉस, उसे बड़ी रिस्पेक्ट दें। आप रिस्पेक्ट देंगे तो फिर वो इवेंचुअली आपको ही बाद में रिस्पेक्ट देते हैं। तो ये है कि अपने आप को उस सिनेरियो से निकाल लें कि जी हम लड़कियां हैं और पकड़ा बैग और निकल आए घर से शॉपिंग करने। ज़रा माँ जो होती है ना, इट्स बिग अम्ब्रेला ऑफ पेशेंस एंड लव, तो फिर थोड़ा सा सेल्फ कंट्रोल और वो चीज़ें बच्चों के साथ थोड़ा सा ईजी होकर देखें, उनको उनको फील कराएं कि जी आपकी सारी चलेगी और आप बताएं कौन सा फ्लेवर, कौन सी क्या क्या चीज़। इवन कि आप अपनी लिपस्टिक तक उठा रहे हैं ना, तो पूछो कि ये कलर मुझ पे सूट कर रहा है, ये अच्छा लग रहा है, मामा ये लें, मतलब इस तरह से ना। तो इस तरह भी बच्चे ज़रा इजी फील करते हैं, इंजॉय करते हैं शॉपिंग को। और समटाइम्स ये तो ये होता है कि बच्चा बिल्कुल भी काबू में नहीं आ रहा होता, तो फिर ये करती थी मैं तो कि ना कोई जैसे फूड कंटेनर या कोई ऐसी चीज़ जो मेरा बच्चा खा ले, वो मैं खोल के मतलब उसको बिजी कर देती थी इन ईटिंग, और फिर बाद में उस चीज़ का बिल करा लेते थे, ठीक है ना। तो इस तरह भी बच्चे को बिजी कर दें खिलाने पिलाने में इस तरह, और यहाँ तक के कार्ट में अगर ज़्यादा छोटा बच्चा है, नहीं खुद कैरी कर सकता चीज़ें या इस तरह का टास्क वगैरह नहीं कर सकता, तो उसको आपने कार्ट में बिठाएं और हर चीज़ उसको पकड़ाएं कि उसको रखो ना, आप रखो, तो उसको एक फील आएगी कि ठीक है मैं कुछ कर रहा हूँ,
ठीक है, बच्चों को हर वक्त कुछ ना कुछ चाहिए होता है करने के लिए, तो जब उसको इस तरह पार्टिसिपेट करेगा ना वो, तो फिर आपको तंग भी नहीं करेगा इवेंचुअली। तो आई होप कि छोटी छोटी जो टिप्स हैं आपके कुछ काम आ जाएं, और प्लीज़ बताइएगा ज़रूर कि जो लोग नहीं लेके जाते बच्चों को अपने साथ शॉपिंग के लिए, चलो ग्रोसरी शॉपिंग के लिए कह लो, वो उसमें भी नहीं लेके जाते, तो उनकी क्या सोच है ज़रा प्लीज़ मुझे भी बताएं। और आपके ख्याल से बच्चे को घर छोड़ के आपको क्या फ़ायदा महसूस होता है कि मतलब डोंट लुक एट योर ईज़ के मैं ईजी सुकून मॉल में बड़े मज़े से इंजॉय कर रही हूँ अपनी शॉपिंग, ये इसके अलावा मुझे प्लीज़ बताइएगा कि आपको क्या फ़ायदा महसूस होता है बच्चों को घर छोड़ के। तो ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे। मेरा हल्ला काफ़ी लंबी हो गई है वीडियो, तो बस इसके बारे में थोड़ी सी बात करनी थी। और जो है अपने कॉमेंट्स बताइएगा, अगर कोई और टिप्स हैं तो वो भी प्लीज़ शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।